लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या पर एक सप्ताह में मौत का आंकड़ा 26 माह में सबसे कम। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मौतों की संख्या रविवार को समाप्त सप्ताह में 26 माह की सबसे कम रही। राहत की बात यह है कि सप्ताह मौतें सिर्फ 20 हुई। ये संख्या मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। बीता सप्ताह लगातार चौथा ऐसा सप्ताह रहा जिसमें नए संक्रमित बढ़े। इनकी संख्या में 3.5% की बढ़ोतरी हुई। इसी दौरान 23,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, जबकि इससे पूर्व के सप्ताह में 22,300 नए केस मिले थे। सोमवार सुबह सप्ताह समाप्त। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में 3,207 नए केस मिले हैं, जबकि 29 मौतें हुई। नए मामले बढ़ने से सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 20,403 हो गई। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बीते सप्ताह में नए केस कम हुए, जबकि दिल्ली हरियाणा में पिछले सप्ताह के बराबर तो यूपी में कुछ ज़्यादा नए केस मिले। वहीं आपको बता दें कि बीते 4 सप्ताह की अगर बात करें तो इस दौरान कुल 106 नई मौतें हुई। इसी दौरान देश में 70,000 नए मामले मिले। बीते सप्ताह कोविड केस में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होने के आधार पर विशेषज्ञों का दावा है कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने की वजह कोई नई लहर नहीं है, बल्कि मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल की दी गई रियायतों का असर है। ये सामाजिक संपर्क बढ़ने के कारण भी हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह के पूर्व के 3 सप्ताहों में 27 से 30 नई मौतें हुई, जबकि रविवार 8 मई की अगर बात करें तो समाप्त सप्ताह में 20 मौतें दर्ज की गई। इस दौरान कुल मौतों का आंकड़ा ज़्यादा इसीलिए बढ़ा क्योंकि कई राज्यों ने अपने यहाँ हुई मौतों के आंकड़ों को अपडेट किया। ये मौतें इस सप्ताह के आंकड़े में नहीं गिने जाएंगे। फिलहाल बात करेंगे जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में बीते 24 घंटे के दौरान एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 0 है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे नई लेटेस्ट अपडेट के साथ।